इतने पैसे दिए तुमने महीने में? एक सेकंड में पूछ लिखना है इसको बेटा, दिखेगा ये क्लोज अप लेना पड़ेगा, दिखेगा नहीं वरना। क्या क्या कहा आपने? My sister got her mister. ये बोला कि आपने क्या करना पड़ेगा? क्लोज अप लेना पड़ेगा, क्लोज अप। मेरी हथेलियां मेहंदी की लाली, सखियां गाई है सुहाग, सात वचन के सात भंवर के पौध खुलेंगे मेरे भाग। आज पियाजी लेके जा रहे हैं डाली मेरी अपने साथ साथ। हो छाप तिलक सब छीनी रे मुसे नैना मिले गे, मिलाई के मोरे नैनो में आई के, नैना मिलाई के मोरे नैनो में आई के, अपने ही रंग रंग दी रे मोसे नैना मिलाई के। और मेरी बहन का ऐसा है कि हमारे बीच में एज गैप ज़्यादा नहीं है, तो वो एल्डर सिस्टर कम थी मेरी और फ्रेंड ज़्यादा थी, लेकिन वो सारे रोल्स इक्वली प्ले करती है। वो सिस्टर भी है, वो फ्रेंड भी है, लेकिन वो जब केयर करने की बात आती है तो हर एक चीज़ हर एक काम मेरा सब कुछ मैं नहीं करती जितना परफेक्टली, वो मेरा काम उतनी परफेक्टली कर देती है। बाकी हमारे जैसे घर में दादी दादा नहीं है, तो हमारी घर की अम्मा है वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल हर चीज़, हर किसी को डांटना, हर चीज़ किसी को टोकना कि तुमने ये चीज़ काम पे नहीं करी, ये चीज़ तुमने दवाई नहीं ली, ये नहीं किया, वो नहीं किया, सब सबको डांटती रहती है वो। हमारे घर की दादी भी वही है बहुत खाली लगेगा उसके बगैर घर। लव यू, हैव अ हैप्पी लाइफ। और मुझे कनक की बचपन की बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। सबसे पहले उसका जो छोटी छोटी बातों में सबकी हेल्प करनी है, सबके लिए सोचना है, वो मुझे उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है। गुड़ किन खा लिया स्वीटी, गुड़ वाली चाह किन पीती स्वीटी, बुआ जी दा नाणा किन खिचया हां, ओ खिच के मर किन सीटी ओ छंडो जी छंडो जाके पकड़ो वो हलवाई, ओ जिसने गुड़ की बना दी मिठाई, ओ सबको बात है ये समझाई, ओ गुड़ नालो इश्क मीठा, सारी सारी रात नाचे सारे।
भी तेरी मैं भी तेरा रब्बा दिला विच तेरा ही बसेरा रू भी तेरी मैं भी तेरा रब्बा दिला विच तेरा ही बसेरा मिले आसा दे गिड़े सहा दे तेथो प्यारिया पीर भी तू प्यार भी तू दीन भी तू ईमान भी तू प्रीत भी तू मीत भी तू कॉलेज के बैचमेट्स थे और हमारे रोल नंबर जो थे वो साथ में ही थे, मतलब मेरा 38 था उसका 39 था, तो तब से थोड़ी बहुत बात शुरू हुई और जैसे जैसे हम एक दूसरे को जानने लगे पता चला कि दोनों ही गाने के शौकीन हैं, दोनों ही गाना गाते हैं, तो ऐसे धीरे धीरे हम साथ में डुएट करने लगे और इस तरीके से सिलसिला चलता रहा आगे बढ़ा। असली जो मज़ा है वो अपनों के साथ में है, जितने हमारे ये रिलेटिव्स हैं जितने आज हमारे सामने मौजूद थे, शायद मेरे ख्याल से अगर हम लोग बहुत स्पेशल लग भी रहे हैं तो उनकी वजह से लग रहे हैं, तो ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है डेफिनेटली, हमारी स्माइल भी उन्हीं की वजह से। हाँ, जब ये आ रही थी तो मुझे उसमें मैं बड़ा एक्साइटेड था कि शायद माइक और ये स्पीकर होता तो मेरे दिमाग में यही गाना याद आ रहा था उस समय की, मेरा चांद मुझे आया है नजर ऐ रात जरा थम थम के गुजर ऐ रात जरा थम थम के गुजर छाया है नशा मेरी आंखों पर। और मैं सोच रहा था जब स्टेज पे आएगी तो तब हम लोग एक साथ में गाना गाएंगे। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाहों में हैं गुल खिले हुए, ये किला है आपकी निगाहों से फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाहों में हैं गुल खिले हुए। Thank you.
इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन कहते हैं ना, ये था हमारे जवाई जी का पहली बार में मंत्रमुग्ध करने हैं किसी को भी। तो इनके बारे में हमने सुना था कि मतलब हर क्लास में और जहाँ भी ये पढ़े फर्स्ट क्लास ही रहे, मतलब गोल्ड टॉप ही किए, हर जगह टॉप ही टॉपर रहे। ये हमारा आशीर्वाद है कि दोनों प्यार से रहें, खूब लंबी उम्र हो, हंसता खेलता जीवन हो और खूब सदा सुखी रहें दोनों। और परिवार में अपने सास ससुर के साथ भी प्रेम से, नंदों के साथ प्रेम से रहें, ये आशीर्वाद है। प्रेम बना रहे पूरे परिवार में, परिवार के बीच जो प्यार स्नेह उसने हमको दिया है वही प्यार स्नेह जो है वहाँ भी उसको मिले और साथ ही वैसे प्रेम भाव से वहाँ पर भी रहे हो।